हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। आपको बता दें, ये एमपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश 100% घर घर से कचरा संग्रहण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहां नगरीय शहरी निकायों के घर घर कचरा संग्रहण किया जा रहा है। यह घर घर कचरा संग्रहण भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत संचालित स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान का हिस्सा है। शहरी विकास और आवास मंत्रालय इस घर घर अभियान के लिए नोडल एजेंसी है। अगला, मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क रायसेन में खोला गया। रायसेन जिले के गोपालपुर में मध्य प्रदेश का पहला तितली उद्यान जनता के लिए खोला गया। इसमें तितलियों की 65 प्रजातियां और लगभग 137 पौधे की किस्में हैं। अगली बात करते हैं हम लोग पॉल्यूशन मीटर ऐप। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पॉल्यूशन मीटर ऐप का लॉन्च किया है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। पॉल्यूशन मीटर ऐप को एक निजी फार्म और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। पॉल्यूशन मीटर ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने क्षेत्रों में वायु और जल और ध्वनि प्रदूषण की स्थिति की जांच कर सकते हैं। अगला, मुख्यमंत्री महिला कोष योजना अकेली महिलाओं के लिए पेंशन। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला कोष योजना की घोषणा की है, जो 50 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को पेंशन प्रदान करेगी। अगला, हमारा कड़कनाथ मुर्गे को भौगोलिक संकेत का टैग मिला हुआ है। मध्य प्रदेश को कड़कनाथ के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग मिल गया है। कड़कनाथ मुर्गे का प्रोटीन युक्त काला मांस मुर्गे की अन्य किस्मों की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीपुर और धार जिले में कुछ हिस्सों का मूल रूप से मिलता है। याद रखिए, झाबुआ, अलीराज और धार जिले में मिलता है मुर्गा। चंदेरी धागा इंदौर के चमड़े के खिलौने और रतलामी सेव मध्य प्रदेश को हाल ही में मिली GI टैग। भौगोलिक संकेतक की बात करें टैग की, तो GI टैग एक नाम अथवा संकेत है जो कुछ उत्पादों को दिया जाता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति के अनुरूप होता है। अगली खबर की बात करें तो पशु स्वास्थ्य योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भारत फाइनेंशियल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग ने भारत फाइनेंशियल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पशुधन संजीवनी 1962 को शुरू करने के लिए भारत समावेशी लिमिटेड है, यह एक पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है। पशुधन संजीवनी 1962 में भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपनी तरह की पहली पहल थी। उन्हें बस टोल फ्री नंबर 1962 डायल करना होगा। सेवा वितरण प्रक्रिया की निगरानी भारत संजीवनी सॉफ्टवेयर और एक मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। अगली खबर है, मध्य प्रदेश के वृंदावन में 5 बार नदी महोत्सव हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में वृंदावन में 5वें नदी महोत्सव का उद्घाटन किया। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए विभिन्न सत्तों के साथ 2 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया। अगली खबर की बात करें तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के नरेंद्र मंडला जिले रामनगर से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों को उपलब्ध संसाधनों के
अधिकतम उपयोग पर ध्यान देते हुए समावेशी स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शासन क्षमताओं को विकसित करने में मदद करना है। इसमें आदिवासी पंचायतों के तहत विकास क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा किया गया है। अगली खबर है एशिया प्रशांत 8वां क्षेत्रीय 3R मंच। एशिया प्रशांत 8वां क्षेत्रीय 3R मंच का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। इस कार्यक्रम का विषय रहा है एशिया प्रशांत समुदायों के लिए 21वीं सदी का लक्ष्य 3R और संसाधन क्षमता के माध्यम से स्वच्छ जल, स्वच्छ भूमि और स्वच्छ वायु प्राप्त करना है। एशिया प्रशांत क्षेत्रीय 3R मंच इसे वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। इसका प्रस्ताव जापान ने दिया था। अगला है हमारी खबर पिंक इलेक्ट्रिसिटी जोन। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश पश्चिमी विद्युत वितरण कंपनी ने एक पिंक इलेक्ट्रिसिटी जोन शुरू किया जिसका प्रबंधन महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। इस जोन में 25 महिलाएं कर्मचारी शामिल हैं। वे अरण नगर में 13,000 बिजली कनेक्शनों के ऊर्जा रखरखाव कार्य का प्रबंध करेंगे। अगली बात करते हैं हम लोग ई वे बिल प्रणाली का शुरुआत। माल के इंट्रा राज्य आंदोलन के लिए ई वे बिल प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी में 25 अप्रैल 2018 से लागू की गई। वस्तुओं के अंतरराज्य आंदोलन के लिए ई वे बिल प्रणाली 1 अप्रैल 2018 को शुरू किया गई थी। अगली खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार तथा विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $210 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना बजरी सतह वाली ग्रामीण सड़कों को स्थायित्व, लचीलापन और सुरक्षा में बढ़ोतरी करेगा। मध्य प्रदेश को अपने ग्रामीण सड़क नेटवर्क के प्रबंध करने की क्षमता में सुधार लाएगा। इसमें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाली 10,150 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें शामिल होंगी। इसमें से 10,000 किलोमीटर को मौजूदा बजरी से बिटुमिनस सतह सड़कों से बेहतर बनाया जाएगा। 510 किलोमीटर नई सड़कें बिटुमिनस सतह की मानक की बनाई जाएंगी। परियोजना सड़क दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को लागू करेगी। MPRCP की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण है। अगली खबर है हमारी रीवा और सौर पार्क डेवलपर्स को IFC $440 मिलियन ऋण प्रदान करने के लिए तैयार है। विश्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC महिंद्रा रिनेवल प्राइवेट लिमिटेड एक्मी समूह और ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड एक्टिक्स LLP को मध्य प्रदेश में रीवा शोर पार्क बनाने के लिए $440 मिलियन का कर्ज प्रदान करेगी। रीवा प्रोजेक्ट की बात करें तो रीवा परियोजना भारत की पहली सौर परियोजना है जो प्रतिस्पर्धी मूल निर्धारण के माध्यम से सबसे कम बिजली दरों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक मानक मॉडल के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत बिजली खरीद समझौते के साथ बिजली की अंतर राज्य बिक्री का संचालन करने के लिए रीवा परियोजना को दिसंबर 2018 में चालू किया गया था। इसके तहत 3 250 मेगावाट परियोजना महिंद्रा रिनेवल प्राइवेट लिमिटेड एक्मी सोलर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और एक्टिस LLP की सोले एनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। रीवा सौर पार्क से लगभग 23% ऊर्जा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेची जाएगी और उम्मीद है कि जब यह परियोजना बिजली की आपूर्ति शुरू करेगी तो इसकी लगभग 80% ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करेगी।
ध्यान दें कि भारत में 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना है। 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट सौर परियोजनाओं से प्राप्त होनी है। अगली हमारी मध्य प्रदेश सरकार PMRSS मिशन के तहत आयुष्मान भारत योजना को लागू करेगी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान के तहत आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। योजना का लाभ सरकारी और निजी अस्पतालों के माध्यम से कैशलेस रूप में दिया जाएगा। अगली हमारी खबर, मध्य प्रदेश में सिंचाई में सुधार के लिए एशिया विकास बैंक और भारत के बीच ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने मध्य प्रदेश में खेती की आय को दोगुना करने के लिए 375 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें दो बड़ी सिंचाई परियोजना प्रणाली शामिल है, जिसमें कौंडल्या सिंचाई परियोजना और मौजूदा संजय सरोवर सिंचाई परियोजना है। अगला, स्वच्छ परिवहन पर शहरी आवाजाही की CSE रैंकिंग में भोपाल और कोलकाता शीर्ष स्थान पर है। नई दिल्ली इसमें स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE ने अपनी विश्लेषण रिपोर्ट शीर्षक अर्बन ट्रिब्यून जारी किए। इसका उद्देश्य यह समझना है कि लोगों की यात्रा करने का तरीके से वायु प्रदूषण और ऊर्जा आपूर्ति में किस तरह योगदान है। यह CSE द्वारा विश्लेषण किया गया है कि एक अध्ययन है जो 14 शहरों को शहरीकरण में गर्मी फंसाने वाले फैलाने वाली कार्बन और डाइऑक्साइड और विषाक्त प्रदूषणों के उत्सर्जन के आधार पर रैंक करता है। अध्ययन किए गए 14 शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद शामिल है। इसमें मेगा सिटी समूह कहा जाता है और अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कोची, भोपाल, विजयवाड़ा और चंडीगढ़ महानगरीय शहरों के रूप में वर्गीकृत हैं। रैंकिंग की दो श्रेणियां थी, समग्र उत्सर्जन और ऊर्जा खपत, फिर दूसरा प्रति यात्रा उत्सर्जन और ऊर्जा खपत। समग्र उत्सर्जन और ऊर्जा खपत श्रेणी में भोपाल सबसे ऊपर है, दिल्ली अंतिम स्थान 14वें स्थान पर है। फिर हमारा भारत का पहला मकई का त्योहार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आयोजित है। भारत का अपनी तरह का पहला अंतरराष्ट्रीय आयोजन है। मध्य प्रदेश भारत के सबसे बड़े मकई उत्पादक राज्यों में से एक है और छिंदवाड़ा सबसे अधिक मक्का उत्पादन करता है। अगला है मिल वांचे कार्यक्रम। मध्य प्रदेश ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मिल वंच नामक अपनी तरह की पहली पहल शुरू की। यह शिक्षा और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों और सोसाइटी के बीच एक सह क्रियात्मक कार्यक्रम है। इसमें बच्चों के बहुआयामी विकास और सरकारी स्कूलों में भाषा कौशल उन्नयन और पाठ्य पुस्तक पढ़ना और सह पाठचर्या संबंधी गतिविधियों में मदद मिलेगी। 19 अगला खबर, मध्य प्रदेश के पहले बहु कौशल पार्क स्थापित करने के लिए एशिया विकास बैंक से ऋण मंजूर हुआ। ADB एशियाई विकास बैंक ने राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में पहला बहुकौशल पार्क स्थापित करने के लिए 150 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ये सुविधाएं मध्य प्रदेश की तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तंत्र को बढ़ाने में मदद करेगी। नया फ्लैगशिप वैश्विक कौशल पार्क परिसर भोपाल में स्थित किया जाएगा। अगला हमारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश अमृत के तहत ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत राष्ट्रीय प्रसार कार्यशाला में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 जारी की गई। आंध्र प्रदेश इस चार्ट में सबसे ऊपर है, जिसके बाद क्रमशः उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। अगला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यह देश के शहरों
का एक मापक है जो उन्हें धारणीय शहरीकरण के की दिशा में साक्ष्य आधारित योजनाओं और कार्यवाही को लागू करने और बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। MOHUA ने 13 अगस्त 2018 को 111 भारतीय शहरों को शामिल करते हुए पहली बार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया और सभी शहरों को मूल्यांकन 100 में से किया गया है और ईज ऑफ लिविंग फ्रेमवर्क में 4 स्तंभों से बना था जो संस्थागत, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक थे, जिन्हें आगे 15 श्रेणियों में 78 संकेतकों के में वर्गीकृत किया गया था। ध्यान दें कि 17 SDG लक्ष्यों में से 8 लक्ष्य सीधे भारत की ईज ऑफ लिविंग आकलन फ्रेमवर्क से जुड़े हैं। अगली खबर है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना के संबंध में संशोधन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल के स्थान पर सीहोर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन और शोध में क्षमता निर्माण की प्रतिनिधित्व करेगा। अगला हमारा निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला घोषित हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में निवाड़ी जिले को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह राज्य का 52वां जिला बन गया है। अगला हमारा BPL परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों और मजदूरों के परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना 2018 की शुरुआत की। इसमें 70 लाख लोगों को लाभ होगा। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता है कि लाभार्थी की 1000 वॉट से कम बिजली की खपत हो और एक पंखा, एक टेलीविजन और एक बल्ब चलाता हो। अगला है मध्य प्रदेश को मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए मध्य प्रदेश को सम्मानित किया जाएगा। फेसों से पहले भारत में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजय कुमार सेठ ने शपथ ली। न्यायमूर्ति संजय कुमार सेठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अंग्लिया में मध्य प्रदेश ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया 1 नवंबर। मध्य प्रदेश ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। इस वर्ष के समारोह का विषय है मध्य प्रदेश की धरोहर। अंग्लिया में मध्य प्रदेश सरकार ने एक आध्यात्मिक विभाग बनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया आध्यात्मिक विभाग बनाने की घोषणा की। प्रस्तावित नए विभाग को कई मौजूदा विभागों को मिलाकर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास और धर्मस विभाग, आनंद विभाग, धार्मिक न्यास एवं बंदोबस्ती निर्देशालय के अलावा मध्य प्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण तथा राज्य आनंद संस्थान को प्रस्तावित विभाग में विलय किया जाएगा। मध्य प्रदेश देश में खुशी विभाग बनाने वाला पहला राज्य है। अगला है महिला पुलिस स्वयं सेवी योजना। महिला पुलिस स्वयं सेवी योजना कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश राज्यों से प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। हरियाणा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निर्भया फंड के तहत पायलट आधार पर करनाल और महेंद्रगढ़ जिले में महिला पुलिस वॉलंटियर की पहल को अपनाने वाला पहला राज्य बना है। महिला पुलिस स्वयं सेवी योजना। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गृह पुलिस मंत्रालय के सहयोग से महिला पुलिस स्वयं सेवा की योजना की शुरुआत की गई थी। योजना की मुख्य विशेषता है कोई भी महिला पुलिस स्वयं सेवी हो सकती है जो सामाजिक स्वैच्छिक रूप से महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हो, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाने को तैयार हो, हिंसा से मुक्त समाज बनाने के लिए पुलिस को समर्थन करे। एक महिला पुलिस स्वयंसेवक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और कम से कम 12वीं पास होनी, उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई दर्ज नहीं हुई हो और वह किसी भी आपराधिक कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराई या जेल नहीं गई हो।
महिला पुलिस स्वयं सेवक को कम्युनिटी वॉच ग्रुप के रूप में कार्य करने के लिए महिला और शिशु रक्षक दल बनाने के लिए समुदाय को जुटाना आवश्यक है। अगला हमारा प्रसाद योजना। केंद्र ने उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री, मध्य प्रदेश में अमरकंटक और झारखंड में पारसनाथ को शामिल किया। केंद्र सरकार ने तीर्थ यात्रा और विरासत स्थलों को विकसित करने के लिए उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री, मध्य प्रदेश में अमरकंटक, झारखंड में पारसनाथ को तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन पहल के तहत शामिल किया है। अब राज्य 25 राज्यों में विसात के तहत स्थलों की कुल संख्या 41 हो गई। प्रसाद योजना की बात करें तो इसे 2014-15 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए नियोजित प्राथमिकता वाले धारणीय तरीके से तीर्थ स्थलों का एकीकृत विकास करना है। यह योजना चिन्हित तीर्थ स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण पर केंद्रित है। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। सबल योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने सब्सिडी वाली बिजली योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए सब्सिडी वाली बिजली योजना शुरू की है, जो एक उत्कृष्ट बिजली बिल माफी योजना है। सबल योजना के तहत राज्य से असंगठित क्षेत्रों क्षेत्र के बीपीएल परिवारों और पंजीकृत मजदूरों को प्रति माह 200 रुपये की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अगला है भारत एशिया विकास बैंक ने मध्य प्रदेश में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $110 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं के लिए $110 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश राज्य में 2800 किलोमीटर की सभी मौसम वाली ग्रामीण सड़कों को उन्नत बनाना है। पहला एकीकृत स्मार्ट सिटीज कंट्रोल सेंटर मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में कहा। भोपाल में राज्य के सभी 7 स्मार्ट शहरों के लिए भारत का पहला एकीकृत नियंत्रण और कमांड सेंटर ICCC लॉन्च किया है। स्मार्ट शहरों के लिए भारत का पहला आईसीसी राज्य अधिकारियों से को इससे जुड़े सेंसर के माध्यम से वास्तविक समय में विभिन्न स्मार्ट नागरिक सुविधाओं की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। इसमें क्लाउड आधारित यूनिवर्सल इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म है और इसे हेवलेट एंटरप्राइज द्वारा विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश के जिन शहरों को स्मार्ट सिटी में मिशन के तहत चुना गया वे हैं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर। तो याद रखिए 7 शहर हैं जो भोपाल, फिर है अपना इंदौर, फिर है उज्जैन, फिर ग्वालियर, जबलपुर, सतना और सागर। बाल कवि बैरागी। प्रसिद्ध कवि और राजनेता श्री बाल बैरागी का 87 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश में निधन हो गया। उनका पूरा नाम है नंद रामदास बाल कवि बैरागी था। उन्होंने बच्चों के लिए कई कविताएं लिखी जिनमें झार गे पाठ, विसार गी तहिनी और उनकी प्रसंस्कृत कविताओं में से एक थी। अगली खबर है इंजोली ईला मेनन ने दृश्य कला के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित हुए। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध कालिदास कलाकार इंजोली ईला मेनन को दृश्य कला में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया है। इस पुरस्कार को विभिन्न प्रकार के माध्यमों द्वारा उनके सार्थक चित्रों से महिलाओं की पहचान और आत्मा के व्यवहारिक और संवेदनशील चित्रण के लिए सम्मानित किया गया। एंजली एला मेनन इन्हें भारत के सबसे कुशल कलाकारों में गिना जाता है। वह एक प्रसिद्ध मुरलीवादी और भारत के प्रमुख समकालीन कलाकारों में से एक है। कालिदास सम्मान की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रति वर्ष दिया जाने वाले एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संस्कृत लेखक कालिदास के नाम पर, इसकी पहली बार इसे 1980 में दिया गया था। इसमें शुरू में शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक कला के क्षेत्र में वैकल्पिक वर्षों में सम्मानित किया गया था। 1986-87 के बाद इसे हर साल सभी 4 क्षेत्रों में प्रस्तुत किया गया था।
अगला है हमारा, मध्य प्रदेश ने सड़क बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए पेट्रोल और डीजल पर 50 पैसे उपकर लगाए। मध्य प्रदेश ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और यातायात में सुधार के लिए 50 पैसे का उपकर लगाया। राज्य सरकार ने इस आरोप से सालाना 200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। भारत और वियतनामी सेनाओं में ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहला सैन्य अभ्यास विनवैक्स आयोजित किया है। भारत और वियतनाम की सेनाओं ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 6 दिवसीय सैन्य अभ्यास विनवैक्स आयोजित किया है। यह भारत और वियतनाम के बीच पहला सैन्य अभ्यास था। अगला है हमारा 44वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में शुरू किया गया। यह उत्सव मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इसमें कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनी अट्टम जैसे शास्त्रीय नृत्य पेश किए गए। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव इंदौर में मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। यह विविधता में एकता और विचार को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। यह 7 दिन के लिए आयोजित किया गया है। अगला है मातृत्व लाभ कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश, हिमाचल और मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश मातृत्व लाभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। PMMBY एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कानून के साथ लागत साझा अनुपात 60:40 है। मध्य प्रदेश में कोनो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित गिर के शेरों के लिए रास्ता खुला। मध्य प्रदेश वन विभाग ने बहुप्रतीक्षित गुजरात के गिर से एशियाई शेरों के स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा लगाई गई अंतिम शर्त के अनुपालन के साथ कुनो को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक संरक्षित क्षेत्र है जिसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। संरक्षित क्षेत्र को 1981 में श्योपुर और मुरैना जिलों में 344.686 किलोमीटर के क्षेत्र के साथ एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। इसे कोनो का पालनपुर या पालपुर कोनो वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। यह काठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र का हिस्सा है। एडवेंचर मैप पर उभरते हुए स्थलों को स्थान देने में मदद करता है। अतुल भारत का दिल मध्य प्रदेश सुंदर झील शहर भोपाल में पहली बार एडवेंचर नेक्स्ट की मेजबानी करने के लिए रोमांचित है। इस आयोजन का विषय पल्स ऑफ टुमारो। मध्य प्रदेश एडवेंचर नेक्स्ट की मेजबानी करने वाला एशिया में प्रथम है। यह कार्यक्रम यूनाइटेड स्टेट आधारित एडवेंचर टेबल ट्रेड एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह शैक्षणिक कार्यशालाओं और क्षेत्रीय विषयों पर आधारित सत्रों को शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और मीडिया के लिए साहसिक स्थलों को पेश करने में मदद करता है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा मोस्ट फ्रेंडली स्टेट अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश को राज्य में फिल्मांकन में आसानी के लिए पुरस्कार उत्कृष्ट जमीनी सहायता और फिल्म संबंधी बुनियादी ढांचे सूचनात्मक वेबसाइट और फिल्म निर्माता के लिए प्रोत्साहन के लिए चुना गया। यह पुरस्कार 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की प्रस्तुति के दौरान दिया गया। स्वच्छ भारत यात्रा के तहत पुरस्कार FSSAI ने अपने ईट राइट इंडिया पहल को बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत यात्रा शुरू की है। स्वच्छ भारत यात्रा 100 दिवसीय उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम है। अनुकरणीय भागीदार के लिए पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य तमिलनाडु, 3 करोड़ से अधिक आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 करोड़ से कम आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य पंजाब, गोवा, दिल्ली है। अगला है हमारा शहरी युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की है। योजना के बारे में बात करें तो योजना छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य के शहरी क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्ग के युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, तो ये थी मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स।